निर्देश दिए हैं और सरकार द्वारा किस तरीके की योजनाएं जो है वो ग्राहकों के लिए लाई गई हैं? जी, कोविड महामारी के चलते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के छोटे और बड़े उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी, जिनमें से एक बड़ी योजना एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, जिसके चार चरण आए 1.0, 2.0 से लेकर 4.0 तक, और उसमें लगभग देश के हर वर्ग को जोड़ा गया, हर क्षेत्र को जोड़ा गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि 3,00,000 करोड़ रुपया देश के छोटे से बड़े उद्योगपति को 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल यानी कि अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में 3,00,000 करोड़ रुपया बगैर कोई जमीन या घर गिरवी रखे मोदी सरकार ने देश के व्यापारियों को दिया है, छोटे और बड़े। इससे उनको राहत भी मिली है, व्यापार भी बचा है और काम धंधे भी आगे बढ़े हैं। आगे चलकर भी जो बाकी योजनाएं जैसे मुद्रा योजना, इसमें भी करोड़ों लोगों को हजारों करोड़ रुपये आज तक मिले हैं। जो लोग ब्याज के चक्कर में से नहीं निकल पाते थे, छोटे और गरीब लोग, उनको इसमें सबसे ज़्यादा लाभ मिला। कोई नए लोग भी अपना काम शुरू करना चाहते हो तो मेरे भाई और बहनों को ढाबा खोलने के लिए, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, और किसी को अपना दूसरा काम खोलना तो उसके लिए भी, ऐसी 200 से ज़्यादा लिस्ट है जिसके ऊपर करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है और उन्होंने अपने कारोबार भी शुरू किया। सर, आज कुछ जो है आदेश पीएनबी को भी दिए गए हैं ताकि 15 अगस्त तक वो कार्य कर लें। सर, क्या कुछ जो है वो आदेश? मैंने कुछ कहा है कि जो हमारी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है उसमें वैल्यू एडिशन कितने लोग कर पाए, उसमें क्या और किया जा सकता है। हमारे 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही बैंक ब्रांच हो तो सारे बैंक मिलकर अपने स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटीज में इसको उठाएं ताकि कौन बैंक कहाँ कहाँ और ब्रांच खोल सकता है उस पर काम हो, और जो ग्राहक है उसको बैंक में आना ना पड़े, उसके मोबाइल फ़ोन पर, उसके कंप्यूटर पर ही उसको अधिकतर बैंकिंग की सुविधाएं मिले, तो उससे भी ग्राहक को बहुत लाभ मिलता है, बैंक को इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा जो अब तक सफल मुद्रा में या बाकी जो ऋण मिले उनमें जो ऐसे सफल व्यक्ति हुए, उद्यमी हुए, जिन्होंने अपना काम शुरू करके लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, तो उन लोगों से भी मिलना चाहूँगा ताकि उनसे मुझे भी कुछ सीखने का अवसर मिले और प्रदेश भर के और युवाओं को भी आगे आकर अपना व्यवसाय, कारोबार या रोजगार करने का। सर, अंतिम सवाल, तीसरी वेव आने की आशंका जताई जा रही है, सर कुछ अपील जनता से? तो जनता से यही कहूँगा, मास्क पहन कर रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को निरंतर साफ करते रहें। जैसे मेरे आसपास भी सब खड़े हैं लेकिन सबने मास्क पहन के रखा हुआ है, एक बड़ा बचाव है।